सोलन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वे सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बजट से हिमाचल में विकास की नई इबारत लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से जिला सोलन को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट ने किसान, बागवान, बेरोजगार, मजदूरों, युवाओं, व्यापारियों और कर्मचारियों सहित सभी वर्गों को राहत प्रदान की है। इस बजट में सरकार ने कृषि उपकरणों पर 40% सब्सिडी देकर किसानों को सौगात दी है। बजट में 685 करोड़ बजट कृषि, 475 करोड़ बागवानी के लिए रखा गया है। साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास योजना को जारी रखा गया है, जिसके चलते आज प्रदेश का जन जन खुश नजर आ रहा है। कश्यप ने कहा कि जिला सोलन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टैक्सी सेवा आरंभ की जा रही है। चायल, धारों की धार, करोल व काली का टिब्बा क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें भी राहत दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दूरगामी सोच से बजट प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि इस बजट से हिमाचल उन्नति की नई इबारत लिखने को तैयार है। बजट रखा है 2018 और 19 के लिए, ये किसानों, युवकों और बागवानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी बजट लगता है। मैं दो तीन जो मुख्य जो बातें हैं जिससे सोलन विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे प्रोग्राम हम जो लाने की कोशिश करेंगे, उसमें एक तो पर्यटकों के लिए है। हमारे सोलन में करोल का टिब्बा, मतियोल, धारों की धार, काली टिब्बा और पैराग्लाइडिंग के लिए वाकना और टिकरी ट्रांजी जैसे जो है पर्यटन स्थल है, जिनको कि जो है आने वाले समय में इसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित किया जा सकता है। चायल में जैसे हेली टैक्सी वगैरह का अगर हम करेंगे उपयोग, उसमें लाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये यहाँ के पर्यटकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जो कृषकों के लिए 40% उपकरण के ऊपर राहत दी गई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और युवकों के लिए भी जो युवक जो है 40 लाख तक के ऋण लेंगे, उसमें 25% पुरुषों के लिए और 30% महिलाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इससे जो है युवकों में बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी और उनमें काम करने की एक ललक भी पैदा होगी।